ये मंच के माध्यम से मैं कांग्रेस पार्टी के जितने भी सदस्य गण आए हैं अवगत कराना चाहूंगी कि हमारा मांग है सिर्फ कलेक्टर दर, जो हम आपने बोला था कि जन घोषणा पत्र में कि हमारी सरकार आएगी, बस हम वही मांग कर रहे हैं, ओवर नहीं मांग कर रहे हैं। तो हम आपके माध्यम से हम अपने काका को संदेश कहना चाहते हैं, हमारा संदेश है कि मात्र हमारा मांग है जो जन घोषणा पत्र में आपने कहा था बस करके वही वादा पूरा कीजिए। आपसे बारंबार निवेदन है और सभी रसोईया का सही है, निवेदन है, आप जितने भी अतिथि आए हैं मैं निवेदन करती हूँ कि हमारा संदेश उनसे जरूर कहिएगा। हमारी रसोईया लोगों का आप दशा समझिए, 10 बजे से 9 बजे हम लोग जाते हैं, 9 बजे से 3 बजे तक सेवा देते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम ऐसा सेवा नहीं देते हैं, ऐसा सेवा देते हैं जो आगे चल के कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई SDM बन रहा है, कोई पुलिस बन रहा है, बच्चे का हम लोग सेवा देते हैं वो आगे चलकर देश चला रहे हैं। तो ऐसे सेवा देने करने वाले का मात्र 1500 है। तो बस हम अपने काका से निवेदन कर रहे हैं, हम तो इतना दिन तक सही तारीफ के ऊपर तारीफ ही कर रहे हैं क्योंकि वाकई में हमारा तनख्वाह हमारे काका ही बढ़ाए हैं, 15 साल से और हमारा तनख्वाह बढ़ा ही नहीं है। इसलिए हम निवेदन करते हैं जितने भी अतिथि आए हैं उनसे हाथ जोड़ के, एवं ये मेरी अकेली की गुजारिश नहीं है, एवं 87,000 रसोईया पूरे छत्तीसगढ़ में 87,000 रसोईया हैं, और 2+ जोड़ के देखिए कितने हजार, अगर चाहें तो हम सत्ता पलटाने में भी ताकत रखते हैं, और हर पोलिंग बूथ में, हर स्कूल में, हर पोलिंग बूथ में हमारा चुनाव ड्यूटी लगता है। तो काका से निवेदन है कि जरूर हमारा राशि बढ़ाने की कष्ट करें और हमारा मांग पूरा करने की कष्ट करें। और अभी एक गुप्त रूप में हमारे और उस सब पे रसोईया दीदी लग जो नई संघ है